वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। और करेंट अफेयर का ये जो वीडियो है ये आपका एक टेस्ट है। जी हाँ, इस टेस्ट में 50 नंबर में आप कितने उत्तर सही करते हैं ये लास्ट में हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 600 से भी ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जी हाँ, जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा का मेंस और जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके परीक्षा में आपको ये मददगार साबित होगा। तो आज से हम लगाएंगे यहाँ पे सेट नंबर 1 से। इसका पीडीएफ आपको दे दिया करूंगा वाइट एजुकेशन की टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करिएगा। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 10 बजे की ये क्लास रेगुलर रोज आपको मिलेगी। और कितने उत्तर सही कर रहे हैं ये पूरे प्रश्न जो है आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स का निचोड़ है, इसलिए यहाँ से उत्तर आप लोग देने की सही कोशिश कीजिएगा। और कितने उत्तर सही कर रहे हैं ये लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा का एग्जाम दिए हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। कुल 276 उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने दो बार फॉर्म भर दिया था या फिर कुछ गलतियों के चलते उन्होंने दो बार फॉर्म भरना पड़ा था। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, शायद आपका डाउट क्लियर होगा और आप भी यहाँ पे कमेंट करके कुछ सुझाव दे सकते हैं सरकार को। ओके, आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप भी उत्तर कीजिए, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और यहां पे 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर करना होगा। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आंसर जिसका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहां पे बी, 4 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 जनवरी 2020 को कोरल रिप्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बी, पलाऊ। जी हाँ, पलाऊ एक कंट्री है जिसको यहाँ पे उसके ऊपर सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने का पहला देश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 2 जनवरी 2020 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए 2 जनवरी 2020 को, ये जनवरी का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, अभी फिलहाल इसको लिख लीजिएगा, शायद आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आंसर करेंगे सुरेश चंद्र शर्मा को, आंसर ए हो जाएगा। जिनका भी उत्तर आ रहा है टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2020 को किसके रूप में, यहाँ किस वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा, नामित किया गया है। तो 2020 को इस बार नामित किया गया है दोस्तों नर्स एंड मिडवाइफ, किसके नाम, तो नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, जिनका भी उत्तर बी आ रहा वो करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां किया गया है। चलिए उत्तर कीजिएगा जल्दी से, 107वें भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस जी हाँ का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहां पर, जल्दी से उत्तर करेंगे दोस्तों यहां पे। बिल्कुल, आंसर करेंगे कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, यहां पे आंसर कर लीजिएगा सी। तो जिनका उत्तर सी आ रहा वो बिल्कुल सही है। अपने टेस्ट दीजिए और यहां पे बताइएगा जरूर कि 50 क्वेश्चन में से कितने उत्तर आपने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आंसर कीजिएगा जल्दी से यहां पे, बिल्कुल 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं मुजिबर उल रहमान, नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी, देखिए दामिनी किस राज्य द्वारा शुरू की गई। बिल्कुल, आंसर करिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से आंसर करिएगा, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल तो कौन है, आनंदीबेन पटेल है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकत्रित हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, फटाफट आंसर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, आंसर जिनका भी आ रहा है दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। बिल्कुल, कौन से राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की, डोर डिलीवरी यानी कि घर घर ये जो बालू है, रेत है, वो पहुंचाई जाएगी डोर डिलीवरी, ठीक है। और इसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि ये डोर पे आपके घरों पे ये डिलीवरी की जा सके। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी।
आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है? चलिए उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल जिनका भी उत्तर आ रहा दोस्तों यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप हमें यहाँ पे एक आंसर कीजिएगा कि RBI के गवर्नर का नाम क्या है और इसका मुख्यालय मुंबई होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो RBI का मुख्य यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए हमें कि इसके गवर्नर का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में किसकी वृद्धि है, कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से 11 का, इट्स अ 54 वर्ग किलोमीटर वृद्धि है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 3 जनवरी 2020 को, देखिए ये भी जनवरी का ही क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिल्कुल यहां पे बात हो रही है विरोध करने की, ठीक है, ना कि सपोर्ट करने की। तो आंसर है दोस्तों यहां पे डी, केरला, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिए यहां पे, केरला के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, यहां पे किसकी सरकार है यह भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग जल्दी से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 4 जनवरी 2020 को टोल पदों के लिए उन्मूलन की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हुई है? तो ये 4 जनवरी, देखिए अभी जनवरी का क्वेश्चन है, ये भी हाल ही का, तो 4 जनवरी को टोल पोस्ट पे है ना, टोल पोस्ट है ये, ठीक है, उन्मूलन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी होती है दोस्तों श्रीनगर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए हैं मुर्मू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 जनवरी 2020 को लॉन्च हुए रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रिलायंस ने किराना प्लेटफॉर्म भी नया चालू कर दिया है, ठीक है, और ये चालू हुआ है 4 जनवरी 2020 को, लॉन्चिंग की हुई है इसकी, इसका नाम है दोस्तों जियो मार्ट। क्या है नाम इसका? जियो मार्ट, याद रखिएगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मास्को में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है? उत्तर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हर कोई मिल के आंसर करेगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, अगर ये क्वेश्चन आप करना चाहते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा यहाँ पे लगातार क्यूज अटेंड कर लीजिए, देखिए कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में। बिल्कुल मैग्नस कार्लसन, नोट कर लीजिएगा, मैग्नस कार्लसन, ओके, मास्को में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता? तो आंसर कीजिएगा डी यहां पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए उत्तर कीजिएगा, ये दिवस यानी कि डेज से रिलेटेड है, तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है आपका, यहां पे आंसर जरूर कीजिएगा, प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 जनवरी को, जी हां दोस्तों 1 जनवरी, 1st of January। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किया गया है, किया जाएगा एक्चुअली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहां पे, बताइए तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किया जाएगा? इन 4 शहरों में ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल असम की है ये शहर गुवाहाटी, नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डे न्यूलम के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद अब कहां पर उपलब्ध होंगे? डे नम, ठीक है, नम, इसको नोट कर लीजिएगा, के तहत एक गठित महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि ग्रुप्स द्वारा निर्मित उत्पाद अब कहां उपलब्ध होंगे? तो आंसर करेंगे दोस्तों, ये कंपनी है फ्लिपकार्ट की, ठीक है, फ्लिपकार्ट की, जी हां आंसर क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो वन आवरण में सबसे ज्यादा, आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों कर्नाटका में, आंसर क्या करेंगे यहां पे, इट्स अ सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने किस पर नई यात्री अनुमूलन सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? भारतीय रेलवे ने
कि इस पर नई यात्री उन्मूलन सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। जल्दी से उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का। जी हाँ, अन्ना कापले जंक्शन पे, जी हाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, क्या है अन्ना कापले जंक्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है। जल्दी से उत्तर कीजिएगा यहाँ पे। देखिए सारे के सारे क्यूज अटेंड करिए, अगर आप वीडियो अभी ज्वाइन हुए हैं तो एक दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके आपके साथ, और ये ऐसे क्यूज मैं आपको अक्सर लेकर देता रहूंगा। ठीक है, इसका PDF आपको मैं वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं, तो आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे 21 का दीपक पुनिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ का ये कैपिटल सिटी है रायपुर जिसका नाम बदल गया है, अटल नगर हो गया है, में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया। आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे जल्दी से। जी हाँ, 27 दिसंबर को राहुल गांधी गए थे इस रायपुर के शहर, जी हाँ छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, राहुल गांधी। चलिए, कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, अब यहाँ पे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत $5 trillion अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा। फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का, जिनका भी उत्तर आ रहा है 2026 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे आंसर, 2026। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। जल्दी से उत्तर कीजिएगा। ट्रांसजेंडर यानी कि हिजड़े की बात हो रही है, जो कैंडिडेट है यहाँ पे इसके लिए, है ना, अगर उनके लिए पढ़ाई की जो इच्छा रखते हैं वो ट्रांसजेंडर, ठीक है, उनके लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया है, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नोट कर लीजिएगा आंसर क्या करेंगे, इट्स ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्राम उद्योग, जी हाँ, आयोग KVIC ने कहाँ में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। पहला सिल्क प्रोसेसिंग, तो ये किसके द्वारा, तो किविक के द्वारा। ठीक है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे जल्दी से। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट डाला गया है दोस्तों, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, गुजरात में। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद होती है, नोट कर लीजिएगा, गांधीनगर होती है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया जाएगा, इस उपग्रह का नाम क्या है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, GSAT-30 इज द करेक्ट आंसर, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है, बिल्कुल उत्तर सही है। जनवरी 17 को ये लॉन्च किया गया है, नोट कर लीजिएगा, आज ही का ये करेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया। जल्दी से उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे फटाफट, 50 क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे उत्तर सही करते हैं। आउट ऑफ 50 कम से कम 45 का टारगेट रखे चलिएगा, अगर यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो रेगुलर, ओके, नहीं तो कम से कम 40 तो रखिएगा ही अपना कट ऑफ। ठीक है, चलिए, 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में से किसे सम्मानित किया गया है, तो हम आंसर करेंगे यहां पे संजय गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का देश में शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था। तो 2019 में आप बताइए जल्दी से कि नाटो का जो सम्मेलन हुआ था वो कहां इस बार हुआ था। बिल्कुल ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन की राजधानी होती है लंदन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि किस देश ने टेनिस खिलाड़ी को रोजर फेडर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। देखिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, जिनका उत्तर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, जिनका भी उत्तर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़, ठीक है, और चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ एक खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है, जिसकी राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है। तो यहाँ पे 3 असेंबलीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कहाँ मनाया जाता है, एक्चुअली मनाया जाता है, ठीक है, किस दिन को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7th of December को।
आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित किया गया था। जल्दी से उत्तर करेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे मैड्रिड स्पेन में, आंसर सी कर लीजिएगा। जिनका उत्तर सी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। ओके चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात में हुए दंगा में राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। बिल्कुल नानावटी मेहता आयोग, नोट कर लीजिएगा। जिनका भी उत्तर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। जी हाँ, गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी भूमिका में जांच के लिए आयोग का गठन किया गया, जो कि दोस्तों यहाँ पे नानावटी मेहता आयोग था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल 11 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी उत्तर यहाँ पे ए आ रहा है वो बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन फुटबॉल क्लब ला लीग के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। चलिए उत्तर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रोहित शर्मा, जी हाँ, तो आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर ए होगा आपका। अगर उत्तर कर रहे हैं ए तो स्पेन फुटबॉल क्लब, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, स्पेन फुटबॉल क्लब ला लीग के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं ये, ठीक है। अब सोचिएगा फुटबॉल से क्वेश्चन है तो रोहित शर्मा का क्या काम है यहाँ पे, तो आगे पढ़ लीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में विद्वानों की हत्या के याद में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। बिल्कुल 14 दिसंबर जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे, आंसर डी कर लीजिएगा, उत्तर आपका 14 दिसंबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही दिनों में फास्टैग की चर्चा, देखिए फास्टैग आप लोगों को यूज करना होगा अगर आप बचना चाहते हैं जो टोल प्लाजों पे आपकी भीड़ होती है उससे, तो आप अपना रिचार्ज कीजिए फास्टैग से, ठीक है। तो फास्टैग की चर्चा समाचार में बहुत रही इस बार, यह किससे संबंधित है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे स्वचालित भुगतान, जी हाँ, व्यवस्था से, यानी कि जो आप गाड़ियाँ खुद चला रहे हैं उसमें फास्टैग का रिचार्ज होना चाहिए, ताकि जो टोल प्लाजों पे जो बहुत सारी लंबी लाइनें लगती थी हर प्लाजे पे वहाँ पे टिकट के लिए, अगर आपके पास पहले से रिचार्ज रहेगा आपका, है ना, फास्टैग के जरिए आप अपनी गाड़ी को खुद से रिचार्ज किए रखेंगे तो एक अलग सी लाइन बनी रहेगी जहाँ पे वो भीड़ होगी नहीं और आप आराम से सीधे निकल सकते हैं उस लेन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल विश्वनाथन आनंद, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, आंसर कीजिएगा दोस्तों सी यहाँ पे, 39 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ए, यानी कि 16 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर, किस लिए, तो भारत में विजय दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है, यह क्या है। पिनाका क्या है, आपको मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन शायद, है ना, तो आंसर कीजिएगा, यह एक मिसाइल है, मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, आंसर क्या करेंगे, इट्स अ ए, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है कि दमन एंड दीव, देखिए ये एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तथा दादर नगर हवेली ये भी है, का किसी तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा। दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा, तो आंसर कीजिएगा 26 जनवरी। जी हाँ, इस गणतंत्र दिवस पे इन दोनों ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका विलय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे 20 दिसंबर को, आंसर क्या करेंगे ए। तो इस पूरे क्यूज़ में आप लोगों ने एक चीज़ बहुत फोकस किया होगा कि यहाँ पे डेट से रिलेटेड जो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए करेंट का क्वेश्चन है तो डेट आपको याद रखने होंगे, हो सकता है कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फुटबॉल का नियामक संस्था जिसे हम लोग फीफा के नाम से जानते हैं, किस टीम को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर टीम में पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो किस टीम के हैं वो खिलाड़ी, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा में है ना, 40 वर्ष के बाद देश ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, तो उनका नाम बता दीजिए आप लोग यहाँ पे जल्दी से। क्यूबा के प्रधानमंत्री का नाम मैनुअल मोरेरो क्रूज है। आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, बी कर लेंगे, जिनका भी उत्तर बी आ रहा बिल्कुल सही है। और आप लोग वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आउट ऑफ 50 आपने कितना उत्तर सही किया है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, पहले जाके वहाँ हमें ज्वाइन कीजिए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप उत्तर कर रहे हैं लिवरपूल, तो आंसर आपका सी है, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल 22 दिसंबर को, नोट कर लीजिएगा। जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, और ये क्यूज अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपको शेयर किए जा रहे हैं। आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए 63वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। बिल्कुल अगर आपका उत्तर आ रहा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी होती है, और यहाँ कमलनाथ जो कि कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2020 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किए जाने का कारण भारत ने विरोध किया है। जल्दी से उत्तर करेंगे हम यहाँ पे, आंसर कीजिएगा दोस्तों, निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया है 2020 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में, जिसका विरोध भारत ने बखूबी किया है। अगला क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी प्रश्न है, आंसर कीजिएगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक के वनडे टीम घोषित की है, इस टीम का कप्तान कौन है। देखिएगा दशक का सबसे बेस्ट टीम है ये, ठीक है, इस पूरे दशक का, 10 साल का यहाँ बेस्ट टीम है आपका, उसके लिए कैप्टन किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पास धोनी, अश्विनी और कोहली और रोहित शर्मा। तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों एम एस धोनी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आंसर होता है ए यहाँ पे, ओके। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ बने रहें, और आपने जितने भी उत्तर किए यहाँ पे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे क्यूज अटेंड कर रहे हैं, रोज अटेंड करें, रोज सुबह के 10 बजे ये क्यूज लेकर आते हैं आपके लिए, और उसके अलावा मॉक टेस्ट आपका बिहार कांस्टेबल और बिहार दरोगा के मेंस के लिए भी दिया जा रहा है शाम को 4 बजे और शाम को 7 बजे क्रमशः, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, बाय बाय।